बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, और नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आज खाना तुम्हें बनाना है। मुझे? हाँ। क्यों? आज मुकेश आ रहा है ना मेरा बचपन का दोस्त खाना खाने, तो उसे तुम्हारी ही हाथ का खाना खिलाएंगे, उसे भी पता चले कि मेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ कितना बढ़िया खाना बनाती है। अच्छा चलो ठीक है, खाना मैं बना लूंगी। साफ सफाई कौन करेगा? साफ सफाई तो मैं कर लूंगा। तुम? हाँ। आ गई। सो मत, उठो। भैया आप इतना फोन क्यों कर रहे थे, और सबसे पहले आज आपके घर क्यों बुलाया है? अरे दीदी, आज साहिल की ब्लाइंड डेट आने वाली है, इसलिए पूरे घर को अच्छे से साफ करना है। ब्लाइंड डेट मतलब लड़की अंधी है? नहीं दीदी, इसका मतलब उन दोनों ने एक दूसरे को अब तक नहीं देखा। अच्छा, तभी तो पटी होगी। रुद्र जल्दी बाहर आ, शर्ट दे मेरा। आपको सिर्फ तीन लोगों को शर्ट पहनानी है। मेरा मतलब है आपको सिर्फ तीन लोगों को जोड़ना है। रुद्र बाहर आ जल्दी। भैया आप दूसरे बाथरूम में चले जाओ ना। अरे दीदी मेरी डेट आने वाली है, मेरा शर्ट पहनकर अंदर जाकर बैठाइए। मतलब तू शीला दीदी के सामने नंगा खड़ा है? नंगा नहीं हूं मैं। शर्ट उतार रुद्र। मैं नहीं उतारूंगा साहिल। प्रतीक रुद्र को बोल मेरी शर्ट उतार। साहिल की शर्ट उतार रुद्र। रघु साहिल और प्रतीक को बोल मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। प्रतीक रुद्र को बोल मैं कितना डेंजर हूँ। रुद्र साहिल बोल रहा है कि वो बहुत डेंजर है। रघु साहिल को बता कि मैं वो शर्ट नहीं उतार सकता। क्यों? क्योंकि उसने इस महीने एक ही शर्ट धोई है, वो भी तेरी गलती से। शर्ट उतार रुद्र। मैं नहीं उतारूंगा। क्या तेरा बॉस हेलो साहिल भैया, वो तो मर गए। रुद्र साडे दे, मैं नहीं उतरूंगा। हेलो, हाँ यही सोसाइटी, सेकंड फ्लोर 201। हाँ ठीक है, मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। अबे वो छोड़, फोन किसका था? तेरा बॉस था, तुझे देखने के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। अबे पागल, एड्रेस बता दिया। शीला दीदी, इन निगम से कुछ नहीं होने वाला। आप ही कुछ करो ना। शीला दीदी कुछ करो, नौकरी चल जाएगी मेरी। पागल, एड्रेस बता दिया। शीला भैया, कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है।
नीचे शक्ल का कोई खड़ा है। तो आज मरने की एक्टिंग कर रहा है काम चोर। मरे नहीं है, गधे जैसा काम करवाते हो इसलिए बीमार है। गधा जरूर है मगर गधे की तरह काम नहीं करता। बॉस, मैं कंपनी के लिए जान भी दे सकता हूँ। जान छोड़, पिछले महीने जो रिपोर्ट मांगी थी वो दे मुझे पहले। साहिल तेरी ब्लाइंडेड का कॉल। हेलो, हाँ वो बीमार है, मरने की हालत में, किसी से नहीं मिल सकता। ये अभी उठा था मैंने देखा, ये अभी उठा था। अरे आपने देखा ना, आपने देखा ना, ये अभी उठा था, इसे कुछ नहीं हुआ है, नौटंकी करता साला, ये अभी उठा था। दो चार दिन से ऐसे ही झटके मार रहे, कौन सी बीमारी है पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा? कैंसर। तीनों एक साथ? इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है अगर बुखार नहीं उतरा तो, ऐसा कहा है डॉक्टर ने। अच्छा, मतलब सिर्फ बुखार है। ये देखो ना पट्टिया। लेकिन ये तो सूखी है। सूख गई है बुखार की वजह से। अगर इतना ही बीमार है तो ठीक है, इसे जॉब से निकाल देता हूं। काम के प्रेशर की वजह से बॉस के सामने अगर सुसाइड कर ली तो उसे मर्डर कह सकते क्या? अगर साहिल ने सुसाइड किया तो उसके मर्डर का केस मैं लड़ूंगा। भैया उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इनके बॉस इतने अच्छे कि भैया की पेमेंट डबल करवा देंगे, है ना? Hey guys, welcome back to my vlog. और आज हम देखेंगे live murder. गौर से देखिए ये चेहरा, ये बॉस के टॉर्चर की वजह से हमारा गरीब बेचारा है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। बॉस को मर्डर के केस में फांसी होने वाली है। इसकी क्या जरूरत है बेटा? साहिल बेटा तुम आराम करो, ठीक है? तुम जब तक चाहे तब तक छुट्टियां ले सकते, ठीक है? मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ, ठीक है? अरे अरे बुखार तो चेक करो। आओ नहीं साहिल, नहीं नहीं नहीं, बॉस Yes? आपके मालिक को जाके बोलिए उनका दोस्त आया है। अच्छा बुलाती हूँ ना, आइए अंदर आइए बैठिए, मालिक को बुलाती हूँ। अरे भाई आ गया। मत खोली बना रहे तूने। अबे खोली नहीं फ्लैट है ये। अच्छा रुक, साहिली पानी लेकर आओ। ले लो खुद का खुद।
तेरी काम वाली बाई को बहुत एटीट्यूड है रे। काम वाली बाई मस्त बात कर रही। वाह भाभी जी, क्या पनीर की सब्जी बनाई है आपने। ये पसंद है तुझे? अरे ये तो कुछ भी नहीं, तू ना एक बार मेरी माँ के हाथ का पनीर खा के देख, उंगलियां चाटते रह जाएगा तू, उंगलियां। तू खाना खा, मैं दो मिनट में आता हूँ। क्या था ये सब, ऐसे सब्जी उठा के चली आई, क्या सोच रहा होगा वो? अच्छा लगता है ये? अच्छा अच्छा खाना तो तुम्हारी माँ बनाती है, उनके घर ले जा देना खाना खिलाने को, हमारे घर पे क्यों लेके आ? हाँ बनाती है, तुमसे तो बहुत अच्छा बनाती है। रजत कपूर को भी वही क्लास में देखती है ना? रजत कपूर नहीं, संजू कपूर है वो। गवार, तुम ना अपने पैक्स क्लियर करो। तुम मेरे पैक से मत जाओ प्रशांत। तुम सब्जी लाओ इधर। मैं नहीं दे रही सब्जी। सब्जी इधर लाओ। मैं नहीं दे रही हूँ, जो कर मैं कर दूँ। यार उसकी सब्जी खत्म हो गई तो वो बाहर क्या खाएगा? गर्मी जाएगा वो, एक दिन खाना नहीं खाया तो। और वैसे भी हम उन्हें पनीर खिला रहे जिसकी लौकी खाने की जरूरत है। मेरे दोस्त के लिए लाया था, इधर लाओ। लाया तुमने होगा, बनाया मैंने, मैं नहीं दे। इधर लाओ। प्रशांत बर्तन छोड़ो, मैं नहीं दे रही। इधर दो। खींचो मत प्रशांत। अरे इधर दो। छोड़ो। गिरा दिया ना? अब क्या खाएगा वो? अब मुझे बाहर से कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो भूखा रहेगा बेचारा। ये बनाने के चक्कर में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, पूरे 4 घंटे गए मुझे ये सब्जी बनाने में जो तुमने अभी गिरा दी है। लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस अपने दोस्त के भूखे कर लिए। अरे भूखा तो मैं रहता हूँ दिन भर, जब तुम एक्साइटमेंट में खाना बना जाती हो उस दिन मेरा फिक्स होता है भूखा रहना, आचार भी जी रहा हूँ मैं। हाँ हाँ भूखे ही मर रहे हो ना तुम, सूखते जा रहे हो, तुम्हारी माँ भी तो यही बोलती रहती है। देखो तुम माँ को भी इसमें मतलब। मेरे दोस्त की चल रही है जो बाहर बैठा है भूखा। दोस्तों की बात तो तुम करो ही मत प्रशांत, जैसे तुम हो ना वैसे तुम्हारे दोस्त हैं, खाना खाएंगे और निकल जाएंगे, कुछ हेल्प नहीं होगी मुझे, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। पिछली बार तुम्हारे मामा भी तो आए थे, खाना तो खा के गए, ऊपर से मेरा टीचर भी लेके गए। ऐसा नहीं है, तुमसे तो ज्यादा ही काम करता है वो, हॉस्टल में हमारी पूरी रूम अकेले ही साफ करता था वो। इतना अच्छा है मुकेश, तो उसको रख लो ना यहीं पे, नहीं तो तुम क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते उसके साथ, चले जाओ। नहीं जा सकता। बैठा है वो, वेट कर रहा होगा अपना, नहीं जा रहा, बिना खाना नहीं खाता वो। ठीक है बाहर तो जाएंगे लेकिन ये सब कुछ साफ करने के बाद। हाँ जल्दी से करो। मैं नहीं कर रही हूँ, तुमने गिराया तुम करोगे। मैं करूँ? हाँ तुम करो। मैं करूँ? हाँ ठीक है मैं करता हूँ, हटो तुम, मैं करता हूँ।
यार मैं ही करूंगा सब कुछ, साफ सफाई भी मैं करूंगा, खाना भी मैं बनाऊंगा, सब कुछ मैं ही करता हूँ। इतना चिड़चिड़ करके करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम नहीं करोगे। अब मैं ही करने वाला हूँ। तुम कुछ नहीं करोगे, मैं करूंगी, तुम हाथ पे नहीं लगाओगे, मैं करूंगी। तुम्हें लगता है ना मैं काम नहीं करता, बाहर के काम भी सब मैं ही करता हूँ। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, काम करो ना करो क्या मतलब, करूँ क्या आदमी, करे क्या, सुसाइड कर लूँ? नहीं 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 नहीं, तुम रहने दो, मैं करूंगी साफ, मेरी गलती है ना। मैं, अरे दीदी आप कब आए और ये क्या? सब कुछ साफ हो गया, अच्छा बर्तन भी हो गए। हाँ हो गया दीदी, सब कुछ तो हो गया। ठीक है फिर कल आइए आप। हाँ? चलो बाय बाय। प्रशांत सुनो ना, इस सोसाइटी में जितने घर हैं सभी घरों का काम तुमको मिलेगा। सोसाइटी को साफ सुथरा रखना है और कभी कभार पर जी साहब बोलिए। हाँ घनश्याम, ये नई काम वाली बाई है, अगले महीने से यही काम करेगी इस सोसाइटी में, ठीक है? नई काम वाली बाई? ऐसे कैसे चलेगा भैया? थैंक यू सो मच गाइस, हमारे वेब सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। अब तक हमारे सीरीज को 40+ मिलियन व्यूज आ चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राइट, हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि और एपिसोड्स लाइए, और एपिसोड्स लाइए, इसलिए हमने ये बोनस एपिसोड खास आपके लिए लाया है। और काम वाली भाई की तरह ही बाकी कैरेक्टर्स और बाकी वीडियोस को इतना ही प्यार दीजिए। जब भी लोग हमें मिलते हैं, पहचानते हैं और बोलते हैं कि हम फैमिली के साथ आपका कंटेंट देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। काम वाली भाई वेब सीरीज का सीजन 1 यही खत्म होता है, पर काम वाली भाई शॉर्ट्स ब्रेक चैनल पर शॉर्ट्स वीडियोस में आती रहेगी। काम वाली भाई सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन हम हर हफ्ते ऐसे ही कॉमेडी वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। गाइस लास्ट एपिसोड के एंड में हमने एक छोटा सा टारगेट दिया था कि अगर हमारे चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपके लिए काम वाली भाई वेब सीरीज का बिहाइंड द सीन्स का वीडियो लेकर आएंगे। तो गाइस जल्दी से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए।